हेलो माई लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 5 अथमैटिक प्रोग्रेशन बट बिफोर गेटिंग इन टू द इंट्रो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग वन लैक सब्सक्राइबर्स प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल आई एम वेटिंग फटाफट से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो ओके सो नाओ लेट्स गेट्स सो जी सबसे पहले तो बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अर्थमैटिक प्रोग्रेशन एक नया वर्ड है आपके लिए तो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखो एंड अर्थमैटिक प्रोग्रेशन और अर्थमैटिक सीक्वेंस इसी को ही अर्थमैटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं इज अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कोई चीज़ ऐसे पैटर्न से या लाइन वाइज कुछ चले दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे अगर कोई नंबर मैंने एक साथ लिखे लेट सपोज टू सिक्स थ्री नाइन सो टू के बाद सिक्स है सिक्स के बाद थ्री है ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एक दूसरे की ठीक है ना सो so, उनके बीच का डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब सेम रहेगा एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन सो अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर मुझे डिफरेंस देखना है जैसे फोर के बाद एट है तो एट में से जरा फोर माइनस करो फोर आ गया ट्वेल्व में से एट माइनस करो फोर आ गया सिक्सटीन में से ट्वेल्व माइनस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर अगेन सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बाद वाली टर्म है और पह, उससे पहली वाली टर्म है दोनों का जो डिफरेंस है वो इस पूरी सीक्वेंस में सेम आ रहा है सो देयरफॉर वी कैन से इट इज एन एपी अब ए पी इज दर्थमैटिक प्रोग्रेशन ठीक है तो यूजली हम पूरे चैप्टर में इसको एपी बोलने वाले हैं तो जी ये होती है एक ए पी ठीक है जहां पे ऐसी नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें आप टर्म्स का जब कॉमन डिफरेंस निकालो मतलब कॉन्सिक्यूट सात वाली टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल मतलब जो डिफरेंस निकाल रहे हो वो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है बार बार कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रही हूँ बिकॉज इसमें मैं यहाँ पे आपको टर्म्स के नाम बता देती हूँ जैसे ये फोर है दिस इज द डिफरेंस इसको हम डिनोट करते हैं डी से एंड वी कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस ओके जी सो so ये होता है डी इसी तरीके से जब एक एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है पहली टर्म जो होती है वी डिनोटेड विद A. This is the first term. ठीक है ये बेसिक चीज है अब अच्छा इसका डिनोशन ऐसे फोर है दिस इज ए वन मतलब फर्स्ट टर्म एट है दिस इज ए टू देन ए थ्री थर्ड टर्म हो गई ए फोर फोर्थ टर्म हो गई ए फाइव फिफ्थ टर्म हो गई ए सिक्स सिक्स टर्म एंड सो ऑन और जो लास्ट टर्म है उसको भी डिनोटेड एज ए एन एन मतलब जितनी भी इस एपी में टर्म्स है नंबर ऑफ

अब पहली चीज जो हम समझेंगे दैट इज दी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी एक एपी की एक फॉर्म होती है वो क्या फॉर्म होती है फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म ए प्लस डी थर्ड टर्म ए प्लस टू डी फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री ये कैसे बन रहा है सिंपल एग्जांपल लेते हैं टू फोर सिक्स एट सो ऑन टू का टेबल है कॉमन डिफरेंस डी हो गया क्योंकि दोनों आप यहाँ पे चेक कर लो फोर माइनस टू टू सिक्स माइनस फोर टू एट माइनस 2 ठीक है कॉमन डिफरेंस d हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया ठीक है अब इसका ये ap का सीक्वेंस कैसे बन रहा है देखो जरा फर्स्ट टर्म a है हमारी 2 लिखा परफेक्ट a d a क्या है 2 d अभी निकाला हमने कितना है 2 तो 2 2 4 सेकंड टर्म बन गई ना इसी तरीके से देन a थर्ड टर्म के लिए d को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 2 प्लस टू टू जा फोर फोर फाइव सिक्स सिक्स आ गई आ गई थर्ड टर्म सो यहाँ पे अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है कंफ्यूजिंग है नहीं अगर लग रहा है तो एक सिंपल सा आपको फॉर्मेट ये याद रखना है जैसे कि देखो फर्स्ट टर्म की जब बात होगी तो वो तो हमारा ए ही होता है क्लियर देन अगर हम बात करें ए टू की सेकेंड टर्म की तो वो होता है ए में डी प्लस कर दो तो भाई माइनस करके भी तो डी निकालते हैं तो ए में डी प्लस करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी थर्ड टर्म के लिए अब जो आपको सिंपल फॉर्म मतलब तो अपनी चीज में याद रखनी है वो ये है ए प्लस तो रहेगा अगर थर्ड टर्म है डी के साथ टू लगा दो तो मतलब एक कम सो ए फोर है तो ए प्लस थ्री डी क्योंकि फोर है तो यहाँ थ्री ले लिया फिफ्थ टर्म है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस फोर डी समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं है बस अगर फिफ्थ टर्म है तो डी के साथ फोर्थ थर्ड टर्म है डी के साथ टू फोर्थ टर्म है डी के साथ थ्री समझ आए इसी तरीके से अगर मैं बोलू ए, ए फोर की बारी में थ्री लगाया, लगाया. मतलब जो भी यहाँ नंबर है ये वाला जो नंबर है उसमें से एक माइनस करके लगा रहे हैं ना फाइव की जगह फोर लगाया फोर की जगह थ्री थ्री की जगह टू एक कम लगाया अब यहाँ पे n है तो क्या लगाएं भाई एन जो भी है उसमें से माइनस वन करके डी के साथ लगा देंगे ठीक है अगर ये चीज़ समझ अच्छा में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एन जिसको हम बोलते हैं एन एथ टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं बट हाँ सम केसेस में इट्स तो नॉट नेसेसरी कि लास्ट टर्म यू ए एन बता दियो भैया कि एन ट्वेंटी है मतलब इस पूरी ए पी में ट्वेंटी एथ टर्म निकालो तो वो हो जाएगा ए ट्वेंटी निकालना है हमें ठीक है फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी अभी ने हम निकाल किया ना जैसे ए ट्वेंटी निकालना है क्या फॉर्मूला होगा ए प्लस डी तो है डी के साथ क्या लगेगा ट्वेंटी है ट्वेंटी में से एक गया नाइनटीन डी क्लियर है ना ए पी चैप्टर सिंपल है बहुत ईजी है ट्रस्ट मी बस हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट क्वेश्चन वगैरह करोगे बहुत सिंपल है चलो नेक्स्ट जब हम आगे मेरे ख्याल से यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में टॉपिक भी गिनती के तो चा रही है अच्छे से समझ लोगे सारे क्वेश्चन कर लोगे अब बात करते हैं एस एन अब ये एस एन क्या होता है दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एक ए पी है कोई भी ए पी होगी फिर से वही वाली टू वाली लेते हैं टू फोर सिक्स एट सॉरी टेन ठीक है तो ये हमारी एपी है अब इस एपी का अगर मैं सम निकालती हूं सम मतलब टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस जो भी आगे चल रहा है तो वैसे तो भैया बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सिंपल से हमारे फॉर्मूलाज हैं तो हम वो लगा के सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं एक एपी में Okay, जी. हाँ जी तो अब देखते हैं, क्या क्या है? है? जैसे अगर बोला है ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स अगर स्टार्टिंग की ट्वेंटी टर्म्स का आपको सम निकालना है तो एन हो गया ट्वेंटी तो एन अपॉन टू मतलब ट्वेंटी अपॉन टू हो जाएगा देन टू ए ए क्या है फर्स्ट टर्म है हमारी देन एन माइनस वन डी ये तो दिख ही रहा होगा फॉमूला अगर टू हटा दूँ मैं ए प्लस एन माइनस वन डी ए एन टर्म का होता है हमारा वो चीज़ नीचे भी आ जाएगी देख लेंगे चलो ठीक है तो फॉर्मूला कैसे याद करना है एनअपॉन टू है ब्रैकेट में टू लगाया ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है ये फॉर्मूला है और इसकी जगह अगर लेट्स सपोज आपके पास ये कॉमन डिफरेंस और ये ए तो दे रखा होगा कॉमन डिफरेंस और ये सब नहीं है और लास्ट टर्म दे रखे तो आपको इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है सीधा इज फॉर्मूलास्ट टर्म ठीक है जिसको कभी कभी हम ए एन भी बोलते हैं ठीक है सो so, अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है आपको सम निकालना है तो सिंपल आप करोगे एना पॉइंट टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्लस कर दोगे मतलब सम कर दोगे ठीक है जी सो so आई होप ये समझ में आ गया होगा दिस इज सम एंड टर्म्स कैसे निकालते हैं अब इसके बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंट्रोडक्शन हमारा यहीं खत्म होता है हमने यहाँ पे समझ लिया है ए पी होता क्या है क्या क्या हमारे पास टर्म्स है फर्स्ट टर्म ए वन ए टू ए थ्री कैसे लिखते हैं कॉमन डिफरेंस डी होता है एनथ टर्म अगर निकालना है तो वो ए एन होता है एंड लास्ट हमने देखा अगर सम ऑफ़ आपको ए पी निकालना है सम ऑफ एंड टर्म्स निकालना है तो एस एन के क्या क्या होते तो ये पूरा था एक चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या इस चैप्टर में करना है आएंगे ट्रिकी मतलब थोड़े से घुमाओ फिराव क्वेश्चन भी हैं करने में बहुत मजा आएगा सो -फड़ से अपना स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को विथ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन सो फॉर नाउ आई एम लीविंग आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अगेन इफ यू है बाय फॉर नाउ